माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते। मैं लेके आ गई हूँ फिर एक नई रेसिपी। ये है मछली फ्राई, मतलब इतना क्रिस्पी बनता है। मैं कैसे बनाती हूँ मछली की फ्राई, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप सभी को दिखाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने मछली ले ली हूँ, ये आधा किलो मछली है। उसको अच्छे से वॉश करके यहाँ पर मैंने रखी हूँ। और मछली को देख के स्वाद के अनुसार मैंने सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और उसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और एक चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, और एक चम्मच मैंने विनेगर ऐड करूंगी। विनेगर डालने से मछली का जो स्मेल होता है उसमें नहीं आता है, इसलिए मैं एक चम्मच विनेगर ऐड कर रही हूँ। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप विनेगर के जगह नींबू भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं विनेगर डालने से उसका स्मेल नहीं आता है। ये देखो यहाँ पर मिक्स हो गया है, अब साइड कर देंगे। एक मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कप चावल को 2 घंटा के लिए भिगो के रखी थी, उसको वॉश कर ली हूँ। एक प्याज को काट के रखी हूँ, और थोड़ा सा लहसुन ली हूँ, और 3 से 4 हरी मिर्ची, और हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच सफेद सरसों, और हाफ चम्मच काला सरसों। उसको सब मिला के चावल के साथ एक पेस्ट बना लेंगे। चावल ऐड कर दी, और यहाँ पर जो सूखा मसाला और प्याज लहसुन हरी मिर्ची लिए थे उसको भी उसमें ऐड कर देंगे। में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं देंगे, थोड़ा पानी देके उसका एक बैटर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका है, मैं एक प्लेट को निकाल रही हूँ। देखिए इतना ही थिक रखना है, ज्यादा पतला नहीं करेंगे। अब उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, और बैटर को देख के स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड कर देंगे उसमें। बैटर को हम अच्छे से मिला लेंगे, हल्दी नमक और जो मिर्ची का पाउडर डाले हैं और बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर का कलर भी अभी चेंज हो जाएगा। जब हल्दी और रेड चिली पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो देखिए कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतना ही थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब मछली को डिप करेंगे बैटर में और ऑयल में डाल देंगे। ये मैंने सरसों का ऑयल ली हूँ, आप रिफाइंड के ऑयल से भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मछली को सरसों की ऑयल से फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए मैंने सरसों की ऑयल ही ली हूँ। अब ऑयल में एक एक करके सबको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सबको ऐड कर दी। एक साइड जब हो जाएगा फिर उसको पलट देंगे। देख के अच्छे से केयरफुली उसको पलटना है। देखिए यहाँ पर एक साइड हो गया था, अब दूसरे साइड को मैं पलट रही हूँ। हम जब मछली को फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करेंगे, हाई कर देंगे तो मछली का ऊपर जो होता है वो वाला जल जाएगा, लेकिन बीच वाला नहीं पकेगा। तो गैस का फ्लेम हम सिम ही रखेंगे। सिम से फ्राई करने से उसका क्रिस्पी बहुत ही लगता है। तो जब फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम को सिम ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक साइड हो गया था, मैं दूसरी साइड को भी पलट दी हूँ। मैं सिम में ही फ्राई कर रही हूँ, इतना क्रिस्पी लगता है। अब हम उसको प्लेट को निकाल लेंगे, फिर आप सभी को दिखाती हूँ। ये तो रेडी हो गया है, कितनी अच्छी भी दिख रही है कलर, और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। एक बार जरूर ट्राई करें इसी तरह मछली का फ्राई, इतना क्रिस्पी लगेगा ना फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पर मेरी मछली की फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप सभी को मेरी मछली की फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लग रही है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।